क्या वो शहीद मानते हैं हिमाचल हित के लिए? धारा जो 118 के तहत जो है, जो कानून के अकॉर्डिंग जैसे आता है इसमें, तो ये दो पार्ट में सोसाइटी है, एक हॉस्पिटल है। अगर हॉस्पिटल को चलाते हैं तो इसमें अकॉर्डिंग टू जो एक्ट के अनुसार जो है हमें GST पड़ रहा है, और GST जब पड़ता है तो दवाइयाँ ऑटोमेटिक महंगी हो जाती है। अगर धारा 118 के अंतर्गत हमारे माननीय मुख्यमंत्री दो लाइनों में जो जमीन का डिस्प्यूट चला हुआ है, अगर इसके नाम हॉस्पिटल के नाम कर देते हैं तो हमें जो है GST नहीं पड़ेगा, और जब GST नहीं पड़ेगा तो दवाइयाँ नेचुरली जो 10 रुपये की दवाई है वो 1 रुपये में पड़ेगी, और आम जनता को, गरीब जनता को इसका बेनिफिट मिलेगा। और 118 के अंतर्गत जो आपने बात जिक्र की है उसका एक अध्यादेश होता है, पर चीफ मिनिस्टर जो है इसमें पावर होती है। चीफ मिनिस्टर जो है अगर कैबिनेट इलेक्शन के टाइम वो कैबिनेट दोबारा बुला सकते हैं, तो क्या यह आम जनता के लिए 3.5 लाख लोगों के लिए वो दोबारा कैबिनेट नहीं बुला सकते हैं? बुला सकते हैं। हाँ, उसमें जो है माननीय मुख्यमंत्री को ही हाई अथॉरिटी होती है, और माननीय मुख्यमंत्री जो है वो 10-20 लोगों को ना देखते हो 3.5 लाख लोगों के उसमें देखें कि उसमें गरीब आदमी जो पिस रहा है, आम आदमी पिस रहा है, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? 24 किलोमीटर दूर जो हॉस्पिटल है, और हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट है चाहे प्राइवेट है, अमीर आदमी 1 लाख रुपए से हॉस्पिटल का इलाज करवा सकता है, अपने मरीज का इलाज करवा सकता है, पर गरीब आदमी नहीं करवा सकता है। और गरीब आदमी के लिए भोटा चैरिटेबल हॉस्पिटल जो है ये फ्री में सेवा दे रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री जी का गृह जिला जो हमीरपुर है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि मेरे गृह जिले में क्या हो रहा है उनको भली भांति इस चीज का जानकारी है। 118 एक्टिव होनी चाहिए हिमाचल में, आपका मानना ये है? वो तो 118 जो वो तो एक्टिव ही है, उसमें अध्यादेश लाया जाता है, और अध्यादेश तो ऐसा नहीं है कि मेरे बोलने से होगा, वो पूरी कैबिनेट बैठती है और कैबिनेट में ही ये लागू होता है। और जबकि अभी प्रतिनिधि आए हुए थे, राजनीतिक दल के भी आए, तो उन्होंने भी समर्थन दिया हुआ है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि वे आए अपने होम जिले में देखें, अपने डिस्ट्रिक्ट में देखें कि क्या हो रहा है, और जो हॉस्पिटल का जो चला हुआ है वो बंद नहीं होना चाहिए, हमारी मांग बस यही है, हमारा किसी से कोई उसमें नहीं है। आप यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे 45 पंचायतें जो है इस हॉस्पिटल से सुविधा ले रही हैं, तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री साहब से यही अनुरोध है कि उन 45 पंचायतों की जो जनसंख्या है और गरीब लोग हैं, गरीब तबका है, उसका जो फायदा ले रहे हैं वो, उनको जो कंटिन्यूली इसमें जो है उनका सहयोग जो पक्का मिलना चाहिए, क्योंकि इसी जनता ने जो है सुक्खू सरकार को जो है यहाँ से चुनकर शिमला में बिठाया था, तो ऐसा नहीं है कि वो शिमला या धर्मशाला से बजाय जो है नदौन में अपनी कैपिटल बना के बैठ जाएगा। तो मेहरबानी करके हमारी यही अर्जा है कि अगर हमने उनको चुनके वहाँ बिठाया है तो यहाँ पे हमें डिसीजन दे। इसमें डेरा वालों ने नोटिफिकेशन निकाल दी है कि 30 तारीख तक अगर हिमाचल गवर्नमेंट शॉर्ट आउट नहीं करती है तो ये जो पूरे पूर्ण रूप से सदा के लिए बंद हो जाएगा हॉस्पिटल 1 तारीख। और हमारा जो धरना प्रदर्शन है वो 30 तारीख एज इट इज ऐसे ही रहेगा जब तक सरकार जागती नहीं है, ये बंद नहीं। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस जो ये मसला चला हुआ है इसको तुरंत जो समाधान करे, और हॉस्पिटल जो है हमारा बंद नहीं होना चाहिए, ये 3.5 लाख लोगों का हॉस्पिटल है, इसमें सब लोगों को फैसिलिटी मिलती है। थैंक यू। धरना प्रदर्शन आम जनता पब्लिक के द्वारा यहाँ भोटा चौक पे किया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में जो है समस्त 25-40 पंचायत के जितने प्रतिनिधि हैं और लोग जनता है यह धरने पे आई है। हमारा मेन मकसद यह है कि भोटा